पर्यटन अधिकारी व विकास प्राधिकरण की टीम ने गोवर्धन बस स्टैंड व मल्टी पार्किंग का किया निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान मिली खामियों को दूर करने के दिए दिशा निर्देश। गोवर्धन में प्रसाद योजना के तहत बनी मल्टी पार्किंग व बस स्टैंड का शनिवार को पर्यटन विभाग के जॉइंट डायरेक्टर व विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा बारीकी से दोनों परिसरों का निरीक्षण किया गया। यहां निरीक्षण के दौरान अधिकारियों की सांसें फूली रहीं, वहीं बारिश के समय बस स्टैंड परिसर में जगह जगह से पानी रिसाव को लेकर साथ में चल रहे अधीनस्थों से जानकारी की और उनकी फोटोग्राफी भी उनके द्वारा कराई गई। जॉन डायरेक्टर द्वारा कार पार्किंग की तीसरी मंजिल पर पहुंचकर जब निरीक्षण किया तो देखा वहां फर्श टूटा हुआ दिखाई दिया और मौके पर कहा कि अभी तो इसे बने हुए एक साल हुआ है, यह अभी से टूट रहा है, आगे चलकर इसका क्या हाल होगा। वहीं उन्होंने कार पार्किंग में बने लिफ्ट और कैंटीन व फायर ब्रिगेड सिस्टम को देखा, वहां कुछ दिखी खमियों को पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान स्थानीय लोगों द्वारा बस स्टैंड पर बैठने के लिए कुर्सी न होने की बात कही तो अधिकारियों ने संज्ञान में लेते हुए यात्रियों के बैठने के लिए जल्द कुर्सियां लगवाने की बात कही। वहीं इस मौके पर जॉइंट डायरेक्टर अविनाश मिश्र, पर्यटन अधिकारी मनीष शर्मा, विकास प्राधिकरण के जेई दीप शिखर गुप्ता, एक्सीएन संजय नागर, जेई भगवान सिंह बिष्ट व अन्य अधिकारी निरीक्षण के दौरान मौजूद रहे। सर, जैसा कि आज आपने मल्टी लेवल कार पार्किंग का यहाँ निरीक्षण किया गोवर्धन में, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, अभी तो इंस्पेक्शन कर ही रहे हैं, अभी तो और काम देख रहे हैं, फिर हम रिपोर्ट में अपनी डिटेल लिखेंगे। ठीक है सर, ये भी सुना जा रहा है कि इसका ठेका उठ चुका है। ये तो MBBD बताएगा, क्योंकि वो रखरखाव उनके लिए दिया गया था और वो उसको अपना PPP मॉडल पे सर प्राइवेट अभी बन के तैयार हुआ और पानी निकलने लग गया इसमें से और कई जगह टूट फूट भी। हाँ, नई बिल्डिंग है तो उसकी भी जाँच कराई, अभी तो मालूम हुआ ना एक पहले साल में ही क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको हम लिखेंगे कि इसको दूर कराया जाए, जो किसी टेक्निकल कमी से नहीं हुआ है, जो टेक्निकल कमी होगी फिर उसकी अलग से होगा। ठीक है।